लाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कचांदूर के कर्मचारियों ने जनस्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले गुरुवार को पावर हाउस अम्बेडकर चौक पर यात्रियों के बीच मास्क का वितरण किया। गौरतलब है कि मास्क के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सुबह 11 बजे का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। भिलाई शहर में तीसरी लहर चल रही है, साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों ने मास्क बांटते हुए लोगों से कोविड के उचित व्यवहार का पालन करने की अपील भी की। इसके पीछे का मुख्य मकसद कर्मचारियों की आजीविका के मुद्दे पर राज्य सरकार को अपनी कुंभकर्णी निद्रा से जगाना था। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के कलादास डहरिया ने और जानकारी देते हुए कहा कि कर्मचारी पिछले 5 महीने से अपनी रोजी रोटी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। पहले उनके परिवार का भरण पोषण इसी कॉलेज और अस्पताल से हुआ करता था, लेकिन सरकार के अधिग्रहण के बाद सरकार ने उन्हें एक बिल लाकर काम से निकाल दिया है और दूसरी तरफ हमने 8 की अनदेखी कर नई भर्तियों को निकालने की पूरी तैयारियां कर ली है। 9 साल के अनुभवी कर्मचारियों के लिए परिवार की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है और कर्मचारी भूखमरी के कगार पर हैं और उनके परिवारों को आर्थिक तंगी का सामना रोजाना करना पड़ रहा है। देखिए, आज हम लोगों ने जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन के तरफ से 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, ये बात को लेकर जनता के बीच में अवेयरनेस के लिए हम लोग आए थे। उसी के साथ साथ हमारा जो प्रमुख मांग है वो ये है कि छत्तीसगढ़ में चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल है, जिसको छत्तीसगढ़ सरकार ने अधिग्रहण कर लिया, जो कचांदूर में है उसे अधिग्रहण कर लिया। अधिग्रहण करने के बाद में वहाँ से सैकड़ों मजदूरों को कर्मचारियों को निकाल दिया गया है और हमारा अनवरत लगातार ये आंदोलन चल रहा है कि इन कर्मचारियों को सविलियन किया जाए। और मुख्यमंत्री महोदय जी से, राज्यपाल महोदय से, तमाम लोगों से हम लोगों ने आग्रह कर चुका है सैकड़ों बार कि हमसे बात करिए, वो बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। फिर भी हम लोग इस कोरोना काल में जनता का अवेयरनेस करते हुए अपनी मांगों को भी रख रहे हैं। आने वाला दिन में अगर हमारी मांग की सुनी नहीं जाती है तो हमारा एक ही रास्ता है कि हम रेल पटरी की ओर जाने के लिए हमारी पूरी तरीके से तैयारी है। लगभग वहाँ पर 101 कर्मचारी है जिनको बाहर निकाला गया। बिल्कुल, मुख्यमंत्री तक हमने 7 बार बात पहुँचाया, ये शायद मुझे लगता है कि इस बार ये 8वां बार होगा। हमने वहाँ पर जाकर के वहाँ बंगले में जाकर उनको लिखित में दिया कि हम मिलना चाहते हैं, फिर भी वो अभी तक नहीं मिले। आज भी हम आशा रखें कि वो मिले और मिल करके हमारे समस्या का समाधान। हाँ जी, हम लोगों ने ये कलेक्टर और ADM तमाम लोगों से मिला, लेकिन बात वही है, राजपत्र जो उन्होंने खंडिका 12 लाया है, राजपत्र विधेयक खरीदने के लिए, वो 12 खंडिका ही मजदूर विरोधी है, जिसमें लिखा गया है कि पुराना मजदूर जो है दावा नहीं कर सकता। ये संवैधानिक मूल्यों को ही जो है ये खतरनाक है, संवैधानिक मूल्यों के ऊपर प्रहार है। इस तरीके विधेयक छत्तीसगढ़ सरकार को पास नहीं करनी थी, जो उन्होंने किया। बहरहाल, कर्मचारियों ने अम्बेडकर चौक के चारों ओर पोस्टर लेकर रैली निकाली और नियमितीकरण के नारे भी लगाए और मास्क का वितरण किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से धनुष साहू, चित्ररेखा साहू, परमिला साहू, मोहिनी गायत्री आदि शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ शाहिन खान की रिपोर्ट।